नमस्ते सभी को। तो हिंदी में हम लोग सत्र शुरू करते हैं। कल जितनी बात हुई उसके साथ हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स लिए थे। इस बात को देखने का हम अभ्यास कर रहे हैं कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, और उसको देखते हुए सुख के तीन स्रोतों पे बात हुई। और ये दिखता है अपने को कि जिस स्रोत के साथ निश्चितता है, निरंतरता है, तृप्ति बिंदु है, स्वतंत्रता है, वो तो स्वयं में सही समझ सही भाव ही है। जब दूसरे से कोई अनुकूल भाव का कसूटी होने जाते हैं तो उसमें न तो निश्चितता होती है, न निरंतरता होती है, न तृप्ति बिंदु होता है और स्वतंत्रता बनी रहती है। और यही बात शरीर से अनुकूल संवेदना पाने के अर्थ में भी होता है। इससे अपने अंदर एक निर्णय तो हो पाता है कि अभी हमारी जैसी भी स्थिति है, परंतु उसके साथ हमें काम को सही समझ सही भाव के लिए करना है। और एक तरह से देखें तो यही गंतव्य है कि हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हमें अपने सुख के लिए बाहर न भागना पड़े, बाहर निर्भर न होना पड़े। इसी क्रम में चर्चा करते हुए हम लोगों ने सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इसको समझने का प्रयास किया था। और ये दिखता है कि लय में, संगीत में, व्यवस्था में जीना ही सुख है। इसके विपरीत जब अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होते हैं तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अब इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ये जो बाहर से मिलता भी है ये सामयिक होता है, ये एक्साइटमेंट के रूप में काम करता है और इसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। उसके साथ फिर एक समय के बाद डिप्रेसिव फीलिंग्स भी आती हैं, दुख भी होता है, फिर उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, एस्केप फ्रॉम डिप्रेशन, फिर एक्साइटमेंट, फिर डिप्रेशन, फिर एस्केप फ्रॉम डिप्रेशन, ऐसा एक क्रम बना रहता है। ये कई बार फिर दिखाई दे कि बहुत बढ़ जाता है, कई बार दिखाई दे कम रहता है, परंतु जीने में देखें तो इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। इसके स्थान पर हमारे अंदर सही भाव की निरंतरता हो जाए, सही समझ की निरंतरता हो जाए, यानी सुनिश्चित हो जाए, सही भाव सुनिश्चित हो जाए, सही समझ सुनिश्चित हो जाए, इस उतार चढ़ाव से हम बाहर निकल पाते हैं, फिर बाहर के प्रभाव से भी हम बाहर निकल पाते हैं। तो जो अभ्यास हम लोग करने वाले हैं, अभ्यास एक में हम अपने भाव के प्रति सजग होने का प्रयास करेंगे और आपको दिखेगा कैसे ये अपने भाव के सजग होते हैं, किस स्वतंत्रता से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। ये जो बाहर निर्भरता बनी हुई है सुख पाने के लिए, इसमें होता यह है कि हम बाहर निर्भर रहते सुख पाने के लिए, कभी पूरा होता है कभी नहीं होता है, जब नहीं होता है तो शिकायत से भर जाते हैं, जब शिकायत से भर जाते हैं तो कुछ संबंधों में और कठिनाई बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर भाव विचार बिगड़ जाते हैं अगले व्यक्ति के प्रति। वैसे ही शरीर के साथ भी होता है कि जब वो अनुकूलता नहीं मिलती तो फिर हम हमारे भाव विचार बिगड़ते हैं, फिर हम कई बार शरीर का ही शोषण कर लेते हैं, तो हम अपने दुख के कारण स्वयं बन जाते हैं और बनते ही रहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए स्वयं में सही समझ को सुनिश्चित करना है, सही भाव को सुनिश्चित करना है, इस पर हम लोग अभ्यास एक और दो में काम करेंगे। इसी क्रम में आगे बात करते हुए समृद्धि के भाव पर चर्चा हुई, तो दिखता है कि इसमें दो भाग है। एक तो जो सुविधा की आवश्यकता उसकी पहचान ठीक हो जाए, और उसको जब पहचानने जाते हैं तो दिखता है कि तीन ही प्रयोजनों से सुविधा की आवश्यकता है, शरीर के पोषण के अर्थ में, शरीर के संरक्षण के अर्थ में, शरीर के सदुपयोग के अर्थ में। और इन तीनों अर्थ में जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है। तो प्रस्ताव रूप में ये बात हमें मिलती है, ये बात हमारे स्मृति में भी बनी रहती है, कल्पना में भी धीरे धीरे फैलती है, परंतु तो इसको और फैला के देखें तो सुविधा को लेकर जितनी भी कल्पना कर रहे हैं क्या वो इसी तीन अर्थों में है या इसे अन्यथा है। तो ये एक होमवर्क है जो हम अगर बारीकी से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से निकल पाएंगे, क्योंकि कई बार जब हम बारीकी से नहीं देखते हैं तो सुविधा की एक एक इच्छा को पूरा करने के लिए जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और कई बार पूरे जीवन का ट्रैक ही बदल जाता है हमारा। तो अगर हमको समृद्धि का भाव समझ में आ जाए, हमको ये दिख जाए कि मूल चाहना समृद्धि के भाव की है, मूल चाहना सुविधा की नहीं है। सुविधा तो शरीर के लिए साधन है, शरीर मेरा साधन है, और मुझमें जो उपलब्धि होनी है वो सही समझ सही भाव है, इसी के साथ समृद्धि का भाव भी सुनिश्चित होता है, इसी के साथ सुख भी सुनिश्चित होता है। तो हम सुविधा के संबंध में जितनी इच्छाएं बनी हुई है उसका हम बहुत सटीकता से मूल्यांकन भी कर पाते हैं।
इसी के लिए हम लोगों ने कल विश्लेषण किया था, तो उसमें कंपटीशन के फीलिंग पे भी चर्चा हुई थी कि कंपटीशन को लेकर जो अभी हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, मान्यताएं बनी रहती हैं, तो बात हुई थी। और साथ में ही एक कहीं चर्चा एक क्रम में आया था, एक टेक्निक भी हो सकती है, आस्क ट्वाइस आई टाइम्स, तो सुविधा की किसी इच्छा को लेकर यदि हम विश्लेषण करें और उसमें क्यों प्रश्न को पूछें, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होने लगती हैं। हम लोग चूंकि इस पूरे वर्कशॉप से गुजर चुके हैं, तो सकता हम एक स्टेप में ही तय कर लें इस शरीर के पोषण के अर्थ में है कि संरक्षण के अर्थ में है। परंतु मैं जब क्लास में बच्चों के साथ, जिनके साथ अभी चर्चा शुरू हो रही है, या कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर में तो पढ़ लिए और फोर्थ ईयर में धीरे धीरे चीज़ें स्मृति से बाहर हो गई, उनके साथ जब चर्चा करते हैं तो नए सिरे से ध्यान जाता है। जैसे मैंने क्लास में पूछा बच्चों को कि कहीं पे एक चर्चा हो रही थी, तो महंगी कार की बात है, लेकिन महंगी कार क्यों चाहिए, क्यों पूछा, और फिर हमने ये एक्सरसाइज बच्चों को दिया, आस्क ट्वाइस फाइव टाइम्स। तो एक बच्ची ने कहा कि क्योंकि तो जहाँ हम रहेंगे कॉलोनी में सबके पास कारें होंगी, तो हमें भी चाहिए। हमने तो अच्छा इतनी महंगी कार, हाँ ठीक है, फिर क्यों चाहिए, दूसरा क्यों आया उसमें, उसने कहा स्टेटस के लिए चाहिए। हमने फिर पूछा स्टेटस क्यों चाहिए, उसने कहा कि सोसाइटी में अपना एक प्लेसमेंट बनाने के लिए चाहिए। हमने कहा सोसाइटी में प्लेसमेंट क्यों बनाना है, तो ये फिर निकल गया कि रिस्पेक्ट चाहिए। फिर कहा रिस्पेक्ट क्यों चाहिए, तो फिर वो बात निकल कर आई कि बेसिकली हैप्पीनेस चाहिए, रिस्पेक्ट से हैप्पीनेस मिलता है। तो आप पाएंगे कि कई बार फाइव एक नंबर है टेंटेटिव, बट ऐसे 5-6 बार अगर आप अपने आप एक क्यों प्रश्न पूछें, तो सुविधा को लेकर जो हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी रहती हैं, उसका सटीक मूल्यांकन हो जाता है। सिर्फ सुविधा ही नहीं, अपने किसी इच्छा के बारे में अगर करेंगे, उसका एक सटीक मूल्यांकन हो जाता है। तो बेसिकली इसमें आप ये भी पाएंगे, ये जो टेक्निक है कि ये जापान में जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप हुआ, उसमें एक टेक्निक के रूप में आया था कि अगर कोई समस्या भी है, उस समस्या में भी आप जांच पड़ताल करें कि समस्या क्यों है, फिर आप उस पर जाए, है ना, ऐसा क्यों हुआ, फिर वो क्यों हुआ, फिर वो क्यों हुआ, ऐसे 5-6 बार अगर आप पूछेंगे तो जो रूट प्रॉब्लम है वो दिखाई दे जाती है। तो ऐसे अगर हम अपने संबंधों में भी देखें, तो परिवार में कहीं कोई अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, आप पूछिए क्यों हो गया, क्योंकि तो अगले ने ऐसी बात कही, अगले ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि उसने ऐसी बात की, उसने ऐसी बात क्यों कही, तो आपको निकल कर आया चलते हुए कहीं ना कहीं विरोध का भाव है, इसलिए ऐसा हो गया। तो इस तरह के अभ्यास करने से ये भी होता है कि जो प्रस्ताव हमने वर्कशॉप में सुना है, उसको एक्सप्लोर करने में हमें सहयोग हो जाता है, सहूलियत हो जाती है। और ये काफी उपयोगी रहेगा अगर हम, जैसा पहले दिन ही बात हुई थी, कि कम से कम आधा घंटा अपने साथ रोज लगाए अलग से, जब हमारे पास कोई और कार्यक्रम ना हो। जी, भैया और नमस्ते। जर्नल में नोट भी करें। तो समाप्त करें इस पीपीटी में, जो पहला भाग था, हम लोगों ने सुख के 3 स्रोतों पर बात किया, सुख को समझने का प्रयास किया, समृद्धि को समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने इतनी बात तो देखा था कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, वो तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है। हैप्पीनेस का मतलब टू बी इन हार्मोनी, व्यवस्था में, संयोजित में होना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सुविधा क्या सकता कि निश्चित पहचान कर पाना, से अधिक उपलब्ध हो पाना। ये बात हमने देखी थी, उसके और थोड़ा आगे चलते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। जी तो दिखता है कि मानव की मूल चाहना निरंतर सुख है, निरंतर समृद्धि है, और इसकी पूर्ति सही समझ, सही भाव और सुविधा के आधार पर होती है, मानव चेतना में जीने के आधार पर होती है। तो 3 चीजों का उन्होंने आवश्यकता रूप में पहचाना था कि जब अपनी मूल चाहना को पूरा करने जाते हैं, तो स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव और शरीर की आवश्यक सुविधा, ये आवश्यकता बनती है। और यदि हम इन तीनों को सही वरीयता से पूरा कर पाते हैं, सही समझ को पहली वरीयता दे पाते हैं, इसके साथ संबंध का निर्वाह करते हैं और सुविधा को तीसरी वरीयता के साथ जीते हैं, तो हम मानव चेतना में जी रहे हैं।
इसका अन्यथा यदि हम सुविधा को ही संपूर्ण मान ले, उसको लाइफ में पहली वरीयता बना दे और हमें समझने पर ध्यान ना हो, तो संबंधों में हम दुख भोगते रहते हैं और सुविधा की आवश्यकता को न तय कर पाने के कारण हम अपने आप में हमेशा अभाव महसूस करते हैं, दरिद्र महसूस करते हैं। इसको जीव चेतना का, क्योंकि पशु की आवश्यकता तो सुविधा भर से हो सकती है पूरी, मानव की नहीं हो सकती। तो ऐसा एक संक्रमण हो जाए, यानी जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो जाए, यही पूरी शरीर यात्रा का प्रयोजन है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भाग शिक्षा का है। जो शिक्षा का प्रयोजन है वो इसीलिए है कि हम इन तीनों को सटीकता से पूरा कर लें, तभी इसको कहें कि मानवीय शिक्षा संस्कार है, अन्यथा उसी पे एक ट्रेनिंग है, लर्निंग है, उससे जो मूल प्रयोजन है वो छूट जाता है। तो अभी भी कि अगर शिक्षा का मूल्यांकन करें तो दिखता है कि ज्यादातर समय हम लोग कोर्सेज पढ़ते हैं वो एजुकेशन में सुविधा को लेकर है, और चूंकि सुविधा को लेकर पढ़ाई करते हैं तो पूरी दृष्टि सुविधा की बन जाती है। अगर आज के दिन भी आप CBSE NCERT के बुक्स प्राइमरी एजुकेशन में भी उठाकर देखें तो पता लगता है कि मानव को शरीर मान लिया गया है, पूरे प्रकृति को जड़ मान लिया गया है और उसी के साथ पूरी पढ़ाई लिखाई की जा रही है। ऐसा कई बार आपको देखने में आएगा। इसलिए मानव और पशु में क्या अंतर है, पशु और पेड़ पौधों में क्या अंतर है, यह स्पष्ट नहीं है ना। और इसके साथ बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई करने के बावजूद प्रकृति उसके लिए एक रहस्य बनी रहती है, वो अपने आप के लिए एक रहस्य बना रहता है, और इसलिए बहुत सारे एडल्टहुड में आते आते बहुत सारी समस्याएं दिखाने लगती है, दिखाई देने लगती है। हमने देखा एक चैप्टर है क्लास 3 में ही, जिसमें लिखा हुआ है मैन अ लिविंग मशीन। तो पहले कम से कम इतना था कि मैन को सोशल एनिमल कह रहे थे आज से 20 साल पहले, अब मैन को लिविंग मशीन कह दिया है, ठीक है ना। तो अब बच्चे को लगता है कि दो तरह की मशीनें हैं, एक लिविंग मशीन एक नॉन लिविंग मशीन। उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ही पढ़ाया जा रहा है, तो एक नॉन लिविंग मशीन हो गया है, एक लिविंग मशीन हो गया है, तो पूरा प्रकृति एक मशीन की तरह लगने लगा है। तो इस तरह की कठिनाइयां हैं, मूलभूत कठिनाइयां हैं, और हमें किसी पॉइंट पे आगे चलकर जो स्कूल करिकुलम है उस पर भी ठीक से काम करना पड़ेगा। तो मानवीय शिक्षा संस्कार में काम करते हुए एक वैल्यू एजुकेशन के रूप में कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं हायर टेक्निकल एजुकेशन में। हायर टेक्निकल एजुकेशन से अब वो हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी तक भी लेके जाना है। और जो भी शिक्षा नीति बना रहे हैं, उसके वस्तु को, पाठ्यक्रम को बना रहे हैं, उनके साथ बैठ के ठीक से बात करने की जरूरत है, ताकि कम से कम मानव की समझ तो ठीक से जाए बच्चों के अंदर बचपन से, तभी वो प्रकृति को भी समझ पाएंगे, तभी आगे के जीने के कार्यक्रम को भी तय कर पाएंगे। अभी जिस तरह की एक मान्यता बनती जा रही है, बच्चों का जो रुझान बनता जा रहा है वीडियो गेम्स के प्रति, आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स के प्रति, है ना, मशीन्स के प्रति, वर्चुअल वर्ल्ड के प्रति, तो जिस तरह का रुझान है आज से, जो अभी जो बच्चे तैयार हो रहे हैं और वो 10 साल बाद जिस जनरेशन को बनाएंगे उसमें समस्या बहुत बढ़ जाएगी, है ना। बच्चा वीडियो गेम खेलता है, बंदूक से धर धर 4 लोगों को मार डालता है, ठीक। यानी कि मानव उसकी लिविंग मशीन है, ठीक। तो एक नॉन लिविंग मशीन एक लिविंग मशीन को मार रहा है, क्या वो मशीन ही है दोनों? ऐसा एक रुझान सा दिखाई दे रहा है आज की शिक्षा में, और इसीलिए इस पे बात भी हो रही है। स्टीफन हॉकिंग मरने से पहले ये बात कहते जा रहे थे, उनका माइट, स्टीफन हॉकिंग मरने से पहले ये बात कह रहे थे कि 2040 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन पे भारी पड़ जाएगा। और अब ये जो ट्विटर के मालिक बन गए हैं, इनका भी कहना है कि 2040 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव पे हावी हो जाएगा। तो अभी ये बहुत अक्यूट नीड बन गई है कि ये चेतना में संक्रमण हो, जीव चेतना से निकलकर मानव चेतना में संक्रमण हो, और उसके लिए शिक्षा संस्कार पे ठीक से काम करने की जरूरत है। और शिक्षा संस्कार पे ठीक से काम करने के लिए शिक्षा के वस्तु पे भी काम करने की जरूरत है। अगर हम सुविधा को ही परम मान लें, मानव को शरीर मान लें, प्रकृति को जड़ मान लें, ठीक, तो ये संक्रमण कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
अभी एक उसके साथ ये भी जुड़ गया है कि भाई समझ जैसी कोई चीज तो होती नहीं, विचार होते हैं। कुछ मेरा विचार है, कुछ आपका विचार है, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। जो संबंध है वो लेन देन के अर्थ में है, टिट फॉर टैट है, गिव एंड टेक है। तो संबंध भी ऐसे परिभाषित हो गया है, और जीने का प्रयोजन ही परिभाषित नहीं है अगर हम मानव को शरीर मान लें, क्योंकि तो शरीर टेम्पररी है दिखता है, तो मानव भी टेम्पररी है। तो पूरा जो विचार है वो टेम्पररी के अर्थ में ही। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज के दिन शिक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसलिए अपने को दिखता है कि ये जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण की अनिवार्यता है, और उसके लिए मानवीय शिक्षा संस्कार पे काम करना पड़ेगा, है ना। नहीं करेंगे तो एक जनरेशन बाद समस्या और विकट हो जाएंगी। जैसे आप अगर थोड़ा सा इतिहास उठा के देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2 से पहले विश्व में उतनी समस्याएं नहीं थी, बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2 में जिस तरह से अचानक उत्पादन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, मशीनों का रोल बढ़ा, उसके बाद से विश्व के हिस्से, कुछ हिस्से के लोग पूरे विश्व पे काबिज होने लगे, है ना। उनका दमन होने लगा, शोषण होने लगा, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और पूरे विश्व में अफरा तफरी गई। अंग्रेजों का भारत आना इसी क्रम में हुआ, और करीब 300 साल तक ये समस्या हमारे देश में बनी रही। और उसके बाद से अभी जो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 शुरू हुआ है, उसमें मानव को मशीन से रिप्लेस करने का काम शुरू हो रहा है पूरी तरह से, और ये समस्या धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लें, उस पर काम करें। तो मानव चेतना को देखें कि 3 चीजें दिखाई देती हैं, स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव, और सुविधा। तो जो सुविधा की आवश्यकता है वो शेष प्रकृति के साथ पूरी होती है। सुविधा की आवश्यकता को जब हम मानवीय तरीके से पूरा करने जाते हैं तो उसमें अपनी आवश्यकता को समझना बनता है, शेष प्रकृति को समझना बनता है, और कौन सी विधियां हो सकती हैं जिससे सुविधा की आवश्यकता प्रकृति के साथ पूरकता के साथ सुनिश्चित की जा सके, पूरी की जा सके, उन विधियों को सीखना बनता है। तो अपनी सुविधा की आवश्यकता को समझना, शेष प्रकृति को समझना, और उन मानवीय विधियों को सीखना जिससे हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, ये तीनों ही आवश्यक हो जाते हैं। तो अभी एजुकेशन में देखें कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान है ही नहीं, कोई ऐसा कोर्स नहीं है, चैप्टर नहीं है जिससे हम सुविधा की आवश्यकता की पहचान कर पाए। शेष प्रकृति के बारे में बात हुई, कभी हम उसको जड़ मान के सोचते हैं, जड़ मान के जीते हैं, उसकी पहचान भी ठीक नहीं है। और इसीलिए जो हम मानवीय विधियों को सीखने जाते हैं तो उसकी कोई निश्चित विधि निकल कर नहीं आती, जीने का स्वरूप निकल कर नहीं आता। तो अल्टीमेटली ये जो छोटा गोला है सुविधा का, उसमें फंसे रहते हैं और जीव चेतना में जी रहे होते हैं। तो उससे अगर हम हमारे सामने सही प्रस्ताव आए, बच्चों के सामने सही प्रस्ताव आए बच्चन के, तो बच्चे इस पूरे फैलाव को देख पाते हैं, इस बात को देख पाते हैं। कई परिवारों में जो समस्याएं हो रही है, तो संबंध के अभाव में ज्यादा है, न कि सुविधा के अभाव में। इसे संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको समझना है, उसको सही विधि से सुनिश्चित करना है। और संबंध एक भाव मुख्य मुद्दा है। संबंध में तृप्ति के लिए हम सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे तक सही भाव पहुंचाने के लिए, एक दूसरे के शरीर का ध्यान रखने के लिए, परंतु उसमें मुख्य मुद्दा तो भाव का है। भाव ठीक होता है तो समझ के साथ सुविधा की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, अपनी भी और दूसरे की भी। भाव ठीक नहीं होता है तो बहुत सारा सुविधा जुटाकर भी संबंधों का दुख भोगते रहते हैं, ये बात स्पष्ट हो पाती है, और समझने को एक प्रायोरिटी दे पाते हैं। ये तो ये दिखाई देता है कि अगर इस प्रस्ताव को बच्चों के सामने रखा जाए तो बहुत ही कम समय में वो समझ की प्रायोरिटी को देख पाते हैं, जहाँ उनका पूरा ध्यान स्किल्स पे रहता है या उसके आउटकम्स पे रहता है ना, सैलरी, पैकेज, प्लेसमेंट, घूमना फिरना, मौज मस्ती, उसके स्थान को दिखता है कि प्रायोरिटी तो समझ की है। कम से कम इंडियन सोसाइटी में अगर बात करें तो इतनी मुश्किल नहीं कोरोना बच्चों के साथ, अगर ठीक से बात हो पा रही, क्लासरूम में ऐसा वातावरण है कि ठीक से बात चली जाती है, तो बच्चे उसको प्रायोरिटी दे पाते हैं, तो मन को प्रायोरिटी दे पाते हैं। तो काम तो हो सकता है, परंतु ये जो बाहर का वातावरण है तो कई बार उनको दूसरी ओर खींचता है, तो थोड़ी कठिनाइयां भी आती हैं, बट सस्टेनेबल काम हो सकता है। तो ये संक्रमण हो जाए शिक्षा संस्कार विधि से,
ये डिजायरेबल है। आज का हम लोग असाइनमेंट लेते हैं फिर इसके साथ ही। तो असाइनमेंट के रूप में ये है कि हम अपने आप में देखें कि ये क्या तीनों चीजों की हमको आवश्यकता लगती है और क्या हम अपने आप में समझ को पहली वरीयता दे पाते हैं। तो विचार में तो कई बार हम देते हैं, क्या हम जीने में भी इसको दे पा रहे हैं, ये अपने आप में इवैल्यूएट करना है और उसको लिखना है जर्नल में। तो हम अपने जीने में अभी सही समझ को कितनी वरीयता दे पा रहे हैं, इतनी काफी संभावना है कि हम सबके लिए पहली वरीयता बन गई है। तभी तो हम इतना सुबह से समय लगा पा रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉलंटियर कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट इसको और थोड़ा बारीकी से हम लोग देख लें बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज यही असाइनमेंट है हम लोग के लिए, इसके साथ चर्चा को यहाँ रोक लेते हैं।